नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दर्शन कराते हैं खेतड़ी महल का, यानी कि खेतड़ी फोर्ट के नाम से जिसको जाना जाता है, या फिर कोई लोग इसको खेतड़ी महल भी बताते हैं। देखिए, इसकी एकदम बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और बाइक इसमें जैसे हम चढ़ाते हैं तो लगभग दूसरे गियर में रखकर भी इतना ज़्यादा बाइक के जोर आएगा कि ले जाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, और आते टाइम बाइक को स्टार्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। और देखिए, इसका दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसा अच्छा ये आपका दृश्य है, कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्रकृति का बड़ा ही अच्छा नज़ारा है। और जब हम बात करें, आप इसमें प्रकृति के नज़ारे को देखते रहिए, अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री को, तो खेतड़ी महल का निर्माण भोपाल सिंह द्वारा लगभग 1770 ईस्वी में किया गया था। भोपाल सिंह शार्दुल सिंह का पोता था। यह पता चला है कि प्रसिद्ध खेतड़ी महल किसी भी प्रकार के दरवाजे या खिड़कियों से रहित है, इसलिए इसे हवा महल के रूप में जाना जा रहा है। जयपुर के जो स्वाई प्रताप सिंह इस अनोखी संरचना से इतने प्रेरित हुए थे कि 1799 में भव्य और ऐतिहासिक हवा महल का निर्माण जयपुर में किया। खेतड़ी दूसरे सबसे धनी ठिकाना जयपुर के तहत जाना जाता है। खेतड़ी महल गलियों की एक संरचना के पीछे स्थित है। यह शेखावाटी कला और स्थापत्य कला के विश्वसनीय उदाहरणों में से एक माना जाता है। यह मुख्य रूप से भित्ति चित्रों और उत्तम सरणियों के लिए जाना जाता है, जो कि रघुनाथ मंदिर और भोपालगढ़ किले से समर्थित है। जो इसके खंभे हैं वो कभी संभवतः महल में हवा के सतत प्रवाह बनाए रखने के लिए जाने जाते थे, अब उन्होंने विशाल दीवार संरचनाओं की जगह ले ली है। अब देखिए, यहाँ से हम तीन बंदे थे, एक को हमने नीचे उतार दिया क्योंकि बाइक आगे जा नहीं रही थी, बाइक में ज़्यादा जोर आ रहा था बाइक के, इसलिए हमने उचित समझा कि हम दो बंदे ही बाइक के ऊपर जाएंगे और एक बंदा पैदल, बाकी हम बाइक को अभी गेट के पास तक लेके जाएंगे, फिर हम आपको आगे लेकर चलेंगे, हम आपको दिखाएंगे। तो पहले तो हम जो इसका मेन गेट है वहाँ तक हम बाइक पर लेके चलेंगे, फिर हम आपको पैदल ही दिखाएंगे, बाकी आगे भी बाइक ले जाने का अगर रास्ता होगा तो हम आगे भी बाइक लेके चलेंगे। और देखिए, यहाँ कितना सुंदर इसका नज़ारा है, यदि देखें प्रकृति को जो, और बारिश का ये मौसम है तो इस मौसम में घूमने का मज़ा ही कुछ और है, और बड़ा ही सुंदर प्रकृति का नज़ारा है, और ऐसे बारिश के मौसम में ऐसी जगह घूमने का जो मज़ा है वो तो अपना अलग ही है, और वो भी बाइक के ऊपर खुली हवा में। अगर गाड़ी वगैरह में आएंगे तो वो मज़ा, वो प्रकृति का आनंद हम कभी भी नहीं ले पाएंगे। तो जब भी आओ, आप बाइक की सहायता से ही आओ, और अगर पैदल आप में इतनी हिम्मत है कि पैदल घूम सको तो उसका नज़ारा तो देखते ही अलग ही बनता है, और बारिश के मौसम में जब आओगे तो उसका नज़ारा तो अलग ही है, क्योंकि न तो आपको गर्मी लगेगी, थोड़े बहुत पसीने आएंगे, लेकिन अगर बारिश तेरी बारिश का मौसम ठंड में चढ़ने में जितना मज़ा आएगा उतना मज़ा आपको वैसे गर्मी के मौसम में नहीं आएगा। तो जब भी आओ आप इसमें बारिश के मौसम में ही आओ। तो चलिए, हम थोड़ा सा और प्रकृति का आनंद लेते हैं, और वो आपको आगे दिखाई दे रहा होगा, वो वहाँ से इसका मेन गेट चालू हो जाता है। तो चलिए, अब हम आपको दिखाते हैं, देखिए प्रकृति का ये कैसा, ऊपर से अगर नीचे देखते हैं तो देखिए कैसा ये नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है। और देखिए, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं, ऊपर से जो नीचे का जो नज़ारा है वो बड़ा ही सुंदर दिखाई देता हुआ, और देखिए बादलों में, देखिए नीचे का शहर, खेतड़ी शहर कैसा दिखाई दे रहा है इस रास्ते से, जब यहाँ से ऊपर से हम देखते हैं तो देखिए कितना अच्छा मनोहर सुंदर दृश्य है। यहाँ से आपका वापस जाने का मन नहीं करेगा, बाकी वहाँ पर वैसे रहने की वैसी व्यवस्था कुछ नहीं है, लेकिन बाकी यहाँ पर रास्ते से ऊपर से देखते हैं तो जो दृश्य है वो बहुत ही सुंदर आपको देखने को मिल रहा है। देखिए, देखिए ये पहले से ही यहाँ पर गाड़ी भी खड़ी है, और बाकी लोग भी यहाँ पर, काफ़ी सारे लोग घूमने यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर देखिए हम भी यहाँ पर एक बार यहाँ बाइक खड़ी करके आपको दिखाते हैं यहाँ से नीचे का नज़ारा।